हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शॉर्ट्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट्स बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके लिए मैंने ये लगभग 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोर फोल्ड किया है मैंने कपड़े को। यहाँ से बंद साइड है और ये भी बंद साइड है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 1 इंच मार्जिन के लिए मार्क लगाएंगे। अब सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ हम फ्रिल वाला पार्ट अटैच करेंगे बाद में। अब यहाँ से आसन के लिए निशान लगाएंगे 12 इंच पर। आसन हम थोड़ा ज्यादा ही रख रहे हैं क्योंकि ये हमें लूज फिट में रखता है। अब यहाँ भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें हिप साइज के लिए निशान लगाना है। मान लीजिए हमें 40 इंच रखना है तो ये कपड़ा 4 फोल्ड है, इसलिए 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये फिट साइज हुई। अब हम शॉर्ट्स बना रहे हैं तो हमें लूज चाहिए, इसलिए हम इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। ये हमारा आसन के कर्व के लिए होगा। अब ये जो बीच का निशान है इसको हम सीधी लाइन खींच कर मिला देंगे और यहाँ गोलाई में मार्क कर लेंगे। ये हो गया आसन का कर्व। अब हमें इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। जैसे हमारी लेंथ हमें रखनी है 15 इंच, तो यहाँ 16 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच मार्जिन रखेंगे, छोटा सा फोल्ड करेंगे हम यहाँ से बाद में। अब यहाँ भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए तिरछी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ तिरछा लिया है। अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये कटिंग हो गई है, बाकी कपड़ा पॉकेट बनाने के काम आ जाएगा। ये जो मार्जिन छोड़ा था 1 इंच का, यहाँ भी लाइन खींच लेंगे। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और यहाँ से बंद पार्ट को कट कर लेंगे ताकि इसके 2 भाग हो जाए। इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको यहाँ से भी बंद पार्ट को कट कर लेंगे क्योंकि हमें पॉकेट लगानी है यहाँ पे। अब इस पे यहाँ में 1/2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। अब हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैंने 2 कपड़ों को यहाँ जोड़ा है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और लंबाई में 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसको नाप के बराबर में कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें इसमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। ये देखिए दोनों पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ 5 इंच लंबाई में निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ भी लाइन खींच लेंगे। इसी तरीके से दूसरी पॉकेट पे भी निशान लगा लेंगे। अब ये वाला पार्ट लेंगे। ये 4 पीस है, इनमें ये बीच वाले दोनों अलग कर देंगे। अब इसको सीधा रखेंगे
और दूसरे वाले को इस पे उल्टा रखेंगे। ये देखिए दोनों पर मैंने इस तरह से रख लिए हैं। अब यहाँ से आसन की सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से सिलाई कर ली है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों पार्ट में सिलाई हो चुकी है। तो ये फ्रंट साइड है, आप पॉकेट अटैच करेंगे इस पर, यहाँ पॉकेट को रखेंगे। इसमें भी फ्रंट साइड ऊपर ही रहेगी। अब यहाँ जो निशान है ये यहाँ सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है, यहाँ से दो छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक पॉकेट को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई कर दी है। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पॉकेट हो जाएगा। यहाँ से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पाइंचे पे भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, इसीलिए हमने यहाँ 1 इंच का मार्जिन लिया था। तो पाइंचे की सिलाई हो गई है। अब यहाँ पॉकेट के किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हो गई है। अब फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टा रखेंगे। और दोनों तरफ से साइड की सिलाई कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमें बीच का पॉकेट वाला पार्ट अंदर रखना है। सिलाई केवल ऊपर और नीचे वाले हिस्से पे ही करनी है। तो मैंने सिलाई कर ली है, अब इसे सीधा करेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद इसमें हाथ डाल के दिखाती हूँ, ये हमारे पॉकेट बन गए हैं। अब इसको फिर से उल्टा कर लेते हैं ताकि यहाँ आसन की साइड सिलाई भी हो जाए। ये देखिए ये भी सिलाई हो गई है। अब हम ऊपर की साइड इलास्टिक लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है, इसमें 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे ताकि इसे शॉर्ट्स के साथ जॉइंट कर सके। इसके बाद ये इलास्टिक के नाप पे यहाँ निशान लगाएंगे। और यहाँ बीच में से लेते हुए सिलाई करके जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये सिलाई हो गई है चारों ओर। आगे से मैंने खुला रखा है इलास्टिक डालने के लिए। अब इलास्टिक के बराबर नाप में मार्किंग करेंगे, इस तरह से इस पे सिलाई कर लेंगे। ये दोनों हिस्सों को भी जॉइंट कर दिया है मैंने और नीचे से खुला छोड़ दिया है। यहाँ बीच में से भी सिलाई हो गई है। अब इसमें इलास्टिक डाल देंगे। फ्रेंड्स इलास्टिक की लंबाई होगी कमर के साइज -3 इंच। इस तरह से आपकी जो भी कमर की साइज हो उसमें 3 घटा दीजिए और आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिट कमर आएगी इलास्टिक में। तो इलास्टिक डल गया है, इसको भी यहाँ से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट होने के बाद इस तरह से खींचकर इसको सही से सेट कर लेंगे। अब यहाँ जो पार्ट खुला रखा था इसे बंद कर देंगे और यहाँ फ्रंट साइड में भी इलास्टिक के पास स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए हमारा ये इलास्टिक भी लग गया है और इलास्टिक के ऊपर फ्रिल वाली डिजाइन भी अच्छी लग रही है। अब इसका बेल्ट या स्ट्रिप्स बना लेते हैं।
बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा हमें। हमें दो स्ट्रिप्स बनानी है कपड़े की, दो पीसेस लेंगे कपड़े के। अब कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, फिर सीधा कर लेंगे। स्ट्रिप्स की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोनों स्ट्रिप्स को दोनों साइड पॉकेट के ऊपर जॉइंट करना है। ये देखिए स्ट्रिप्स भी लगा लिए और हमारा शॉर्ट्स बनके रेडी हो गया है। दोनों स्ट्रिप्स को बटरफ्लाई की तरह से बांध सकते हैं। ये एकदम फैशनेबल लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।